लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यस, क्या बात? सर, मैं एक पुराने मर्डर केस की फिर से छानबीन करना चाहती हूँ। कौन सा मर्डर केस? सर, ये वारदात कुछ 20 साल पहले हुई थी। उन दिनों हमारे शहर में 3 गुंडों का बड़ा जोर था, अमर कुमार, अकबर अली और अंथोनी डिक्रूज। उन तीनों ने मिलकर एक आदमी का खून किया था। तो उन्हें सजा हुई होगी? जी नहीं, उन तीनों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन कपिल कुमार नाम के एक बेगुनाह इंसान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। क्यों? क्योंकि कपिल कुमार ने उनको खून करते हुए देख लिया था और उनकी गवाही उन तीनों के गले में फांसी का फंदा डाल सकती थी। उस खून के सिलसिले में उन तीनों को जेल के लॉकअप में भेज दिया गया, जहां वो लोग जेल से बाहर आने का प्लान कर रहे थे। भगवान भला करे, जेल के हवालात में अकेलापन मिला तो हमने सोचा हम फांसी की मौत मरना नहीं चाहते, इसलिए हमने तय किया कि हम फांसी की मौत नहीं मरेंगे और तुम जिंदा रहे तो हम तीनों को फांसी की मौत मरना पड़े ही पड़े। मतलब ये कि अपन लोगों की लाइफ के लिए तुम्हारा मरना जरूरी हो गया है, क्योंकि जिन आंखों ने अपन लोग को वो खून करते देखा था ना, उन आंखों को अदालत देखना नहीं मांगते। सिंह, वो तीनों तो जेल के लॉकअप में। नहीं, नहीं, नहीं। उस तीनों ने हमारे घर आकर हमारे आंखों के सामने मेरे पति और मेरे बेटे की हत्या की। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति का यही कसूर था ना
क्यों उन्होंने उन तीनों को खून करते हुए देखा और कानून को गवाही देकर उनकी मदद करना चाहते थे। बोलिए, यही कसूर था ना मेरे पति का? आपको मेरा यकीन नहीं आ रहा है तो इन बच्चों से पूछ लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने खून किया, उन्होंने खून किया। तो आपके बयान के मुताबिक वो तीनों जेल से बाहर आए? नामुमकिन। जब से वो तीनों जेल की कस्टडी में लाए गए, उन्होंने जेल के बाहर कदम तक नहीं रखा। जेल साहब, ये लोग कह रहे हैं कि कपिल कुमार का खून इनके घर में इनकी आंखों के सामने हुआ, क्या ये झूठ है? इंस्पेक्टर राणा, जिस यकीन से ये कह रहे हैं कि उन तीनों ने इनके घर में जाकर कपिल कुमार का खून किया, उससे ज्यादा यकीन से मैं कहता हूँ तो तीनों जेल से बाहर गए ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है जेलर साहब कि उनके जेल से बाहर जाने के बारे में आपको भी मालूम न हुआ? इंस्पेक्टर राणा, ये कहकर आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कांस्टेबल, इन सब की हाजिरी लो। अमरनाथ, क्या है? अमरनाथ, कौन है बे? अरे अरे, मैं काहे को खाली पीली रात को डिस्टर्ब करता है सोए पड़े को? हा, वो तीनों जेल में थे क्योंकि ये साबित न हो सका कि वो तीनों जेल से बाहर आए, उन्हें रिहा कर दिया गया। Is it? जी हाँ, अगर हमारे डिपार्टमेंट ने जरा सी मेहनत और होशियारी से काम लिया होता तो उन तीनों को जरूर सजा मिलती। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि मैं दावे से कह सकती हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट के किसी आदमी ने जेल से बाहर आने में उनकी मदद की। इसलिए अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस केस की फिर से छानबीन करना चाहती हूँ। इंस्पेक्टर मिस सिंह, कसूरवारों को सजा दिलवाना ही हमारे डिपार्टमेंट का मकसद है। अगर तुम ये साबित कर सको कि वो तीनों खूनी हैं, तो तुम्हारे लिए और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए इससे बढ़कर फक्र की और क्या बात हो सकती है? थैंक यू सर। लेकिन तुम इतने यकीन से कैसे कह रही हो कि वो तीनों मुजरिम हैं? इसलिए कि वो सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था, इसलिए कि उस दिन मैं बहुत रोई थी। जिस आदमी का कत्ल किया गया वो मिस्टर कपिल कुमार सिंह, वो मेरे पिताजी थे। जिस लड़के की आबरू लूटी गई और फिर जिसका खून किया गया वो मेरी बहन थी। I'm sorry. Very sorry. सर, पैसों के लिए मैंने ये नौकरी नहीं की। पिताजी ने काफी पैसा छोड़ा है लेकिन ये नौकरी के बिना मेरी जिंदगी का मिशन पूरा नहीं हो सकता, इसलिए मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की है। मिस सिंह, यू कैन रीओपन द केस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।